इसमें आ गई है कोई। आप सोच रहे होंगे पैकेट उल्टा क्यों मैंने पकड़ा, वो इन्होंने पैकेट में गड़ा दी इसलिए उल्टे कर रखे हैं, ऊपर से लीक कर रहा है। फिर हमारा फिश पॉन्ड, चलिए बिल्कुल भी देरी ना करके अब हम इनको भी इसमें डाल देते हैं। कभी भी आप जैसे पैकेट खोलते हैं 10 मिनट आपको हो गए और 10 मिनट के बाद आपको फिशेस को टैंक में डालना है। ये देखिए हमने डाल दी अपने, तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि ये दूसरा पार्ट आ चुका है फिश पॉन्ड का हमारे, तो पहले आपने देखा था कैसे हमने वो टैंक तैयार किया, होममेड टैंक था। कैसी लगी आपको वीडियो? और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने नहीं देखी है तो कृपया जाके हमारे चैनल पे वो देखें, काफ़ी सुंदर फिश पॉन्ड बना है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने तैयार किया था टैंक को और वाटर फिल करा था उसमें, फिल्ट्रेशन करी थी उसमें। उसमें मैंने दो फिश डाली थी, छोटी फिश डाली थी एक सैम्पल के तौर पर कि लाइक वो एक वाटर कंडीशन उसका अच्छा है कि नहीं है, लेकिन वो दो फिश एकदम अच्छी चल रही हैं। अभी मैं घर की तरफ जाऊँगा तो आपको ले कर चलूँगा। तो मैं आज जैसे कि आपको, मैं आ चुका हूँ अपने शॉप पर, ठीक है। तो मैं अपने शॉप पर आ चुका हूँ तो मुझे यहाँ से अपने शॉप से लेनी है कोई फिश। तो जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं कोई फिश डालने वाला हूँ इसमें, वो तो कोई डालने वाला हूँ। तो मेरा एक पैर रहेगा इसका, ठीक है, ये कम से कम 5 इंच साइज़ की हैं, 4 से 5 इंच इनका साइज़ है। और दूसरी होगी हमारी ये वाली कोईज होंगी, जैसे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बड़े फिन टेल वाली कोइज हैं, ये मेरे पॉन्ड में जाएंगी। तो चलिए इनको लेके चलते हैं। बाकी उसके अलावा मैं और कुछ, मैं सोच रहा हूँ कि शायद एक टेम्फॉइल डाल लूँ इसमें, या फिर एक मेरे पास एक बड़े साइज़ की शार्क भी है, ठीक है। ये शार्क ही देख सकते हैं आप, थोड़ा सा शीशा इसका गंदा है तो यहाँ से दिखाता हूँ, इतना बड़ा साइज़ है इसका, कम से कम 8 इंच का साइज़ है। इसकी भी आपको एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा। इस शार्क को कल पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, ये बिल्कुल एकदम डाउन हो गई थी, और आप देखेंगे तो उस वीडियो में आपको लगेगा कि ये तो बस मरने ही वाली है, लेकिन फिर मैंने सुबह आके देखा तो ये वापस की वापस वैसी की वैसी नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो शार्क अभी नहीं ले जाते हैं फिलहाल, मैं ले चलता हूँ अपने कोई फिशेस को। तो चलिए इनको पैक करते हैं और ले चलते हैं। एक फिश और जाने वाली हमारे साथ, वो है ये हमारी प्लेको काई वाली फिश जिसे कहते हैं। ये कम से कम 7-8 इंच इसका साइज़ है, काफ़ी अच्छा साइज़ है, और ये टैंक में मेरे लिए, मेरे को चाहिए एक टैंक के लिए, तो ये जाएगी हमारे साथ। तो चलिए लेके चलते हैं। तो गाइस आ चुके हम अपने टेरेस पर और ले आए हैं हम अपने फिशेस। इसमें आ गई है कोई और वो तो जो बोला था, और इसमें शकर कैट है। आप सोच रहे होंगे पैकेट उल्टा क्यों मैंने पकड़ा हुआ है, क्योंकि उल्टा इसलिए पकड़ा हुआ है शकर ने। काई वाली जो फिश है वो देखो ऐसे, इसमें उसने चोच गड़ा दी है अपने नाखून जो होते हैं उनके कांटे वो इन्होंने पैकेट में गड़ा दी इसलिए उल्टे कर रखे हैं, ऊपर से लीक कर रहा है टैंक। तो चलिए अब आपको फिश टैंक भी दिखा देता हूँ अपना, सॉरी फिश पॉन्ड। ये रहा हमारा फिश पॉन्ड और ये रही हमारी अवेरी, शोर करते हैं हमारे पिजन्स और बर्ड्स। और ये हमारी फिश जो दो फिश मैंने आपको बोला था जो सैंपल में मैंने डाले थे, वो इधर मोटर के पीछे छुपे हुए हैं। अभी मैंने चेक किया वो डर के मारे, अभी उनके लिए थोड़ा टैंक क्या पॉन्ड कह लो दोनों नया है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करके अब हम इनको भी डाल देते हैं टेम्परेचर मेंटेन के लिए। अभी चले जाएंगे इसमें, अभी कम से कम रखेंगे हम 10 मिनट तक इसको, फिर उसके बाद आपको डाल के दिखाएंगे इसमें फिशेस। तो जब तक टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूं कि मैं उनके लिए कुछ ये बॉल्स और ये पाइप लाया था, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक क्या मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि जो इसका फ्लो है पानी का जैसे नीचे गिर रहा है उससे थोड़ा बहुत फिशेस डिस्टर्बेंस में रहेंगी। तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए रन करूँगा, जैसे आप लगा लीजिए मैं जैसे नाइट में इसको चला दिया करूँगा या डे में चला दिया करूँगा, नाइट में मैं उसमें एक छोटा ये वाला जो मोटर है ये तो सबको पता ही होगा, ये मैं मोटर इसमें लगा दिया करूँगा।
क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें थोड़ी शांति बनी रहेगी। जैसे इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी हलचल हो रहा है और पैकेट भी इसके बीच में आ जा रहा है, तो इसलिए मैं या तो इसका फ्लो मुझे थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, इसको मैं पाइप थोड़ा सा सोच रहा हूँ और नीचे तक ले जाके उसमें, तो इसमें क्या है उतनी तेज़ी से प्रेशर पानी का गिरेगा नहीं नीचे, तो ज़्यादा फिशेस को प्रॉब्लम होंगी नहीं। तो चलिए देखते हैं अभी क्या रहता है, पहले फिशेस को डालते हैं फिर देखते हैं। कभी भी आप जैसे पैकेट खोलते हैं, जैसे फिशेस जैसे 10 मिनट आपको हो गए और 10 मिनट के बाद आपको फिशेस को टैंक में डालना है, तो उससे एक बार ऐसे ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जैसे टैंक का जो पानी है उसको थोड़ा सा पैकेट के अंदर ले लें, उससे और अच्छे से फिश उसमें स्टेबल हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो अब टाइम हो गया है फिश को टैंक में भेजने का। तो ये देखिए हमने डाल दिए अपने फिश, ये आ गए हैं, ये देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। एक हमारा रह गया इसमें सकर, वो तो ने नाखूनी ऐसे काटे गड़ा लेता है पैकेट में, उसका निकलना ही मुश्किल हो जाता है। ये जो है ना, ये जो चीज़ दोनों पैकेट में टाल लेता है उसको। चल भाई तू भी चलेगा, बस अब इनको, अब मेरा एक ही इंतज़ार है इनको बड़ा होते हुए।